Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video I am going to discuss about the next differences of equity shares and preference shares. अब equity shares की बात करें, अभी तक तो हमने preference share की बात की थी. अब equity share का है section 43(1) आप कंपनी एक 2013 ऑन इक्विटी शेयर्स. अब इक्विटी शेयर्स क्या है? दीज आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रिफरेंस शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर्स वे शेयर्स है जो प्रिफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं. दीज आर द मोस्ट इश्यूड क्लास ऑफ शेयर्स, ये सबसे ज्यादा इस टाइप के शेयर्स सबसे ज्यादा इश्यू किए जाते हैं. दे कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ द बिजनेस, और ये इक्विटी शेयर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिस्क लेते हैं और इसलिए मैक्सिमम रिवार्ड भी बिजनेस में पाते हैं, मतलब पैसा भी ज्यादा पाते हैं. वेयर द रिस्क आर लूजिंग पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, इफ द बिजनेस इनकर्स लॉस देन द रिवार्ड आर द पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द मार्केट वैल्यू. यानी कि ये मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इनका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, अगर शेयर की मार्केट वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो इनका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा. इनको जो डिविडेंड रिसीव होता है वो आफ्टर द पेइंग डिविडेंड टू द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करने के बाद से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड किया जाता है. दीज आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ये क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है. दूसरा क्या खासियत होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के बुक्स को चेक करने का राइट्स होता है इनके पास. कभी भी कंपनी के बुक को चेक कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह का राइट इनके पास होता है. अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रिफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स. राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड के राइट के बेस पे देखा जाए तो डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज पेड बिफोर द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड पेड करने से पहले प्रिफरेंस शेयर पर डिविडेंड पेड करना होता है. इक्विटी शेयर में क्या है? डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज पेड आफ्टर द डिविडेंड पेड ऑन प्रिफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करने के बाद ही रिसीव होता है. रेट ऑफ डिविडेंड प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को, इट हैज ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनका रेट फिक्स होता है कि इनको इतना ही मिलेगा, ठीक. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट फिक्स नहीं होता है, इट पे डिविडेंड एट द रेट दैट इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो प्रपोज किया जाता है डिविडेंड वो उनको रिसीव होता है. एरियर्स ऑफ डिविडेंड की बात करें तो इन केस ऑफ कुमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स एरियर ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर द डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करने से पहले अगर कोई डिविडेंड पे एरियर है जो रिसीव नहीं हुआ है, मतलब ड्यू है, तो उसको आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे. इन केस डिविडेंड इज नॉट क्लियर ड्यूरिंग द ईयर इट इज नॉट अक्यूमुलेटेड टू द पेड इन द कमिंग ईयर, लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं है ये मिलेगा. कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स इफ द टर्म इश्यू सो प्रोवाइड. इसमें कन्वर्टिबिलिटी होती है प्रिफरेंस शेयर में, लेकिन दिस शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं. रिडेम्पशन की बात करें तो दे आर रिडीमेबल ऑन ड्यू डेट, ये अपने ड्यू डेट पर रिडीमेबल होते हैं, कंपनी को वापस ले लेती है कंपनी प्रिफरेंस शेयर को. लेकिन द कंपनी में बाई बैक इट्स इक्विटी शेयर, लेकिन कंपनी क्या करती है? बाई बैक, कंपनी अपने शेयर की खरीद फरोख्त कर सकती है, ठीक है ना. बाई बैक आप इक्विटी शेयर्स कहते हैं. वोटिंग राइट्स, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट नहीं होता है, वोट देने का राइट नहीं होता है. दीज शेयर होल्डर्स हैविंग वो हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज होते हैं उसी में इनको वोटिंग राइट्स होते हैं. लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दीज शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट्स इन ऑल द सर्कमस्टेंसेज, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है. रिफंड ऑफ कैपिटल, यहाँ पे जब वाइंडिंग अप, जब कंपनी का क्लोजिंग होता है तो उस समय इसको क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल रिफंड करते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड करते हैं. राइट टू पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट,
प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी में पार्टिसिपेशन करने का कोई राइट नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में पार्टिसिपेशन करने का राइट होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फॉर अकाउंटिंग पर्पज। अब हम लोग अकाउंटिंग पर्पज, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल अब से स्टार्ट आपका शुरू होने जा रहा है, अब शुरू। ये तो कंपनी के बारे में अब तक डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। फॉर अकाउंटिंग पर्पज प्रोविजन स्पेसिफाइड इन द कंपनी एक्ट 2013 आर टू बी फॉलोड एज पर द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इन पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज टू बी क्लासिफाइड इन एंड सोन एज फॉलो। सबसे पहला क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। दूसरा होता है आपका इश्यूड कैपिटल होता है। तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पे ईच क्लास से मतलब है कि प्रिफरेंस शेयर है कि इक्विटी शेयर है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए इस पर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेंगे, कन्फर्म है। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है कि ऑथराइज कैपिटल जितने से कंपनी का टोटल कैपिटल स्टार्ट होता है बिजनेस, जितना टोटल कैपिटल होता है वो ऑथराइज कैपिटल होता है। और उस ऑथराइज कैपिटल, सपोज कर लिए कि कंपनी 10 करोड़ से वो बिजनेस स्टार्ट कर रही है, टोटल कैपिटल उसका 10 करोड़, उसने कंपनी का फॉर्मेशन कराते समय रजिस्टर के वहाँ दिखाया है। अब इस 10 करोड़ इसका ऑथराइज कैपिटल हो गया, जो कंपनी के ने ऑथराइज किया है कंपनी रजिस्टर ने। अब इस 10 करोड़ में से अगर वो 5 करोड़ रुपीज़ का शेयर इश्यू करता है तो वो जो 5 करोड़ का जो कैपिटल होगा ऑथराइज, मतलब इश्यूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज सब्सक्राइब फॉर पब्लिक, यानी कि पब्लिक को जो सब्सक्राइब करने के लिए शेयर इश्यू किया है वो 5 करोड़ का इश्यूड कैपिटल होता है। और सब्सक्राइब कैपिटल की बात करेंगे तो अब 5 करोड़ में से जितना शेयर पर एप्लीकेशन रिसीव होता है या जितना शेयर पब्लिक को अलाट हो जाता है उसको कहते हैं आप सब्सक्राइब कैपिटल। अब वो चाहे इक्विटी शेयर्स हो या प्रिफ्रेंस शेयर्स। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल इट इज द अमाउंट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सच अमाउंट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल। इट इज स्टेटेड सेपरेटली फॉर इच क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स एज पर सेक्शन 28 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सच कैपिटल एज ऑथराइज बाई द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इट इज कॉल्ड द ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। यह मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे अधिक कंपनी कैपिटल नहीं फॉर्मेट कर सकती है, कंपनी नहीं कैपिटल नहीं हो सकता है। अब इसी ऑथराइज कैपिटल में से या वो 100% इसमें का इश्यू करे या इसमें से कुछ शेयर इश्यू करे। तो अब इसी में से इश्यूड कैपिटल क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द सब्सक्रिप्शन। अब इसी में से कभी 2 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का, कभी 3 करोड़ का कैपिटल टाइम टू टाइम इश्यू करती है। ये मैक्सिमम कैपिटल होता है जो रजिस्ट्रेशन के समय में कंपनी के डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था। अब इससे अधिक वो अपना कैपिटल नहीं बढ़ा सकती है, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।